नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज बात करेंगे खुले खाने की एक्सपायरी डेट की। इस विषय पर बात करने की वजह है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया आदेश, जिसमें कहा गया है कि मिठाई की दुकानों में कंटेनर या ट्रे में रखी खुली मिठाइयों के लिए अब दुकानदार को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बतानी होगी। अभी तक सिर्फ डिब्बा बंद मिठाइयों पर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती थी। दरअसल सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए आश्वस्त होना चाहती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्वास्थ्य से जुड़े हुए खतरों को देखते हुए ये कदम उठाया है। FSSAI का ये आदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही FSSAI चाहती है कि जिस तरह से देश भर के होटल्स को उनकी सुविधाओं के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से स्टार रेटिंग मिली हुई है, ठीक उसी तरह वहां पर लोगों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी के आधार पर भी 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाए। इसमें बड़े होटल से लेकर छोटे रेस्टोरेंट तक को शामिल किया जा रहा है। तो आज FSSAI के आदेश को समझने के साथ ही ये जानने की भी कोशिश होगी कि इस आदेश के बाद खुले में बिकने वाले खाने की गुणवत्ता की जांच कैसे हो सकेगी और इसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना अनुकूल असर पड़ेगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ एस नंदई साहब जुड़ रहे हैं, जो CEO TQS ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर ममता पठानिया मेरे साथ हैं, सह परियोजना निदेशक उपभोक्ता अध्ययन केंद्र। मेरे साथ फिरोज एच नकवी साहब हैं, अध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर। नकवी साहब स्वागत है आपका। परवीन जारगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संयुक्त निदेशक FSSAI से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रवीण जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। सर, इस तरह के आदेश की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसके बैकग्राउंड में कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से इस तरह का आदेश पारित करना पड़ा? बस अनेक कंप्लेंट्स आती थी कि उनको जो मिठाई दुकानों पर दी जा रही थी, चाहे वो पैकेज थी या लूज स्टेट में थी, वो बासी और एक्सपायर्ड डेट की होती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज इफ़ समवन इज गेटिंग एक्सपायर्ड डेट स्वीट्स, देन इट पोजेस ए पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड, हमने ये ऑर्डर इशू किया है। इस ऑर्डर में 2 चीज़ें हमने मेंशन की हैं जी। पहला तो जो पैकेज स्वीट्स हैं और इसके साथ साथ बेस्ट बिफोर डेट मेंशन करना जरूरी है जी। तो इसको इस प्रोविजन को हमने रिक्रिएट करा है अपने ऑर्डर्स में। और इसके अलावा कि कंज्यूमर्स को जो लूज स्वीट्स काउंटर से खरीदते हैं, उनके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता था कि वह है उस स्वीट का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है या उसका सेल्फ लाइफ क्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू एंश्योर फूड सेफ्टी, दिस ऑर्डर हैज बीन इशूड। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर डेट बोथ विल बी डिसाइडेड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जी, एंड दे विल इंडिकेट इट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्वीट्स एंड द लोकल कंडीशंस। ठीक है, फॉर देयर हेल्थ, खुले में अगर सामान बेचना होगा तो बताना होगा उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कब तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। डॉक्टर ममता पठानिया भी हमारे साथ हैं। ममता जी, असल में किस तरह की शिकायतें आती हैं इस तरह के खाद्य पदार्थों को लेकर, क्या कहते हैं कंप्लेनर्स? हमारे यहाँ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंप्लेंट्स स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स की रहती है। अराउंड 30-35% कंज्यूमर्स अगर स्वीट्स के बारे में कंप्लेन करें तो वो बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, स्वीट्स हम लोग ले रहे हैं, उसमें कुछ फॉरेन मटेरियल डस्ट है या कुछ फंगस है या उस तरह से कुछ खाद्य पदार्थों में जो चीज़ें आ रही है, इसकी कंप्लेंट नेशनल हेल्पलाइन में हमारे पास आती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक है मैम, आपके पास मैं लौटूंगा। एस नंदई साहब भी हमारे साथ हैं। एस नंदई साहब, असल में इस तरह के कदमों को कितना कारगर समझा जा सकता है, कितने ज़रूरी हैं इस तरह के कदम उठाए जाने? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है। और FSSAI का इस तरह का अगर स्टेप लिया जा रहा है, डिफ़िकल्ट होगा इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता, जब हलवाई अपना मिठाई बनाता है उनके पास एक मार्किंग होती है,
सिर्फ इतना कहा गया है कि उस मार्किंग को आप स्टील के ट्रे पे या किस पे भी रख रहे हैं, आप उसके अंदर वो डाल दीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, आपका एक्सपायरी डेट कब है, उनको पता होता है। हाँ, जहाँ तक बात है उनको एक्सपायरी डेट या शेल्फ लाइफ पता करने की कि मेरा मिठाई कब तक चलेगा, कब तक सही है, उसके लिए देर आर पीपल, लोग हैं जो उनको मदद कर सकते हैं, वैसे खुद भी उनको मदद कर सकती है एंड वो बहुत इजीली कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकवी साहब, इस तरह के फैसले को लेकर असल में आपकी क्या राय है, आपका संगठन क्या सोचता है? हमारी तरफ से अभी तक FSSAI से जितना भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है, हमने हमेशा उनकी हर मूवमेंट का साथ दिया है और उन्होंने हमें हमेशा इस चीज में अपने साथ रखा है। कोई भी चीज करने से पहले हमारे सजेशंस दिए जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें पहला रोज तो यही है कि हमसे इस बार पूछा नहीं गया कुछ, ऐसा कुछ भी हमसे राय नहीं मांगी गई इसके ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिकली जैसे कि अभी पैनलिस्ट आपके बता रहे थे इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आप इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री को समझिए, क्योंकि एक शॉप के ऊपर 200 से 300 किस्म के आइटम्स होते हैं, उनको बार बार चेंज किया जाता है, उनको और सैकड़ों तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जलेबी है, उसको शायद कोई भी दुकानदार एक दो घंटे से ज्यादा नहीं रखता है, वो खत्म हो जाती है, पैचेस में आती है। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हलवा या और कुछ मिठाइयां हैं जो शायद एक महीने की शेल्फ लाइफ वाले होते हैं, तो हर एक की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग उनकी डेट्स होती हैं, उनका उनकी शेल्फ लाइफ होती है, स्टोरेज कंडीशंस अलग हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे देश में अलग अलग है, तो उसी तरह से उनकी डेट्स भी और उनका जो एक एक जो काउंटर के ऊपर जो उनकी जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है। तो हम ये चाह रहे थे कि पहले एक बार FSSAI हमसे इसके ऊपर राय ले लेता और एक बीच का रास्ता और एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम निकालते, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते। और थोड़ा सा ये भी है कि ये मिठाई के साथ ही क्यों किया गया, क्योंकि देश में अगर देखा जाए तो 93 to 95% एग्रो प्रोड्यूस जो है वो अभी प्रोसेस ही नहीं होता है, वो तो लूज में या ओपन में ही दिखता है, जैसे कि और इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या और तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ भी ये सब होना चाहिए, मिठाई से ही शुरू किया गया। तो थोड़ा सा हमें अभी ये है कि हम एक बीच का रास्ता निकालने क्या के पक्षधर हैं, और अगर FSSAI या हम अब उनको लिखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फेजेस वाइज, और किस तरीके से हम इसको ग्राउंड लेवल पे शॉप लेवल पे हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये नोटिस आया है इसको करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और शायद छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो गली मोहल्लों में होते हैं या जो शहर के लेवल पे एक या दो शॉप मेंटेन करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा और उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। तो अभी हमें लगता है कि इसको काफी जल्दी में ये निर्णय लिया गया है और थोड़ा हमें और समय देना चाहिए सरकार को, और हम उनके साथ हैं, हम हर मूव में उनके साथ अभी तक रहे हैं और कई फ्रंट्स पे हम FSSAI के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रवीण साहब असल में FSNM का कह रहे हैं कि देखिए थोड़ी सी बातचीत होती, सजेशंस लिए जाते, एक बीच की राह हो सकती थी, तो क्या सर इस पर भी विचार कर रही है FSSAI, किसी भी तरह का विचार विमर्श होगा अभी? जी मैं आपको बताऊं, ये स्टेप करीब एक साल से अंडर कंटेम्पलेशन है FSSAI के, और फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे मीटिंग की गई है, उनके साथ डिस्कस किया है, उसके बाद ये एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया गया है। अच्छा, जहाँ तक आप बता रहे हैं डेट ऑफ एक्सपायरी को मेंशन करने का, आप देखें आजकल सभी मिठाइयाँ पैकेज फॉर्म में बिकती हैं और उन सभी मिठाइयों पर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बैच बिफोर डेट इंडिकेट करते हैं मैंडेटरीली। तो अगर हम पैकेज स्वीट्स पर खोया प्रोडक्ट होगा तो उसका ये लाइफ होगा, अगर वो मिल्क प्रोडक्ट से बना होगा तो उसका ये डेट होगा, ये जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बेस्ट बिफोर डेट है दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स देमसेल्फ। उनकी सहूलियत के लिए हमने एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट बनाया है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें हमने ना केवल ये बताया है कि किस तरह से फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो स्वीट्स में डील करते हैं जी वो सैनिक, ठीक है, यानी वो मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है जिसके जरिए दोनों की सुविधा हो, बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन ममता जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है, और फिर मिठाइयां ही क्यों, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, बात एक तरफ से देखा जाए तो सही है, लेकिन अब समय आ गया जब जैसे जैसे अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है,
अगर ये ऑर्डर आया है तो इस लिहाज से बात किया जाए तो एडवाइजरीज इशू करने के साथ साथ अवेयरनेस लेवल जो है बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस नो डाउट मुश्किल होगा, कंज्यूमर्स के एंड पे भी कंप्लायंस उस तरह से कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि जो मिठाई आप खा रहे हैं या ले रहे हैं उसमें जो एक वेंडर ने उस पे डेट लगा रखा है वेदर वो सही है या नहीं है। लेकिन उपभोक्ताओं के एंड से, कंज्यूमर्स के एंड से देखा जाए तो ये समय आ गया है कि ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। कंज्यूमर्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक हार्ड अर्न मनी आप पे करके चीज़ खरीद रहे हैं वो उनके लिए सही हो, हाइजीनिक हो, क्योंकि एडल्ट्रेशन के मामले हम देखें तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में, वो चाहे खाने के किसी भी पदार्थ में हो। तो स्वीट्स उनमें से एक ऐसी चीज़ है, मिठाई एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान त्यौहार में, शादी में या किसी भी फंक्शन में उस चीज़ को सबसे ऊपर रखता है और लेता है। तो स्वीट्स के मामले में ये चीज़ आई है तो बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है और मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा कंप्लायंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एस नंदी साहब, क्या इसमें एक विस्तार से ये गाइडलाइंस होनी चाहिए कि असल में किस मिठाई की कितनी वैलिडिटी हो सकती है, कौन सी मिठाई कितने दिन तक खा सकते हैं, कब तक उसकी एक्सपायरी डेट हो, क्या ये डिटेलिंग भी होना ज़रूरी है? देखिए, इस मामले में FSSAI ने ऑलरेडी काम कर रखा है, जैसा अभी प्रवीण जी ने कहा ये 1 साल से चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। इनफैक्ट इनके वेबसाइट पे भी काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब हम किसी भी नए चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि सारी मिठाइयों को आप एक छतरी के अंदर रखेंगे। सही बात है। हर मिठाई का अलग अलग शेल्फ लाइफ होता है। FSSAI ने नहीं कहा कि आप सबको एक में रखिए, उन्होंने ये कहा कि आपको शेल्फ लाइफ डालना है। शेल्फ लाइफ डालना है मतलब जलेबी का शेल्फ लाइफ अगर है तो हमें पता है कि वो शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, वो इमीडिएटली यूज़ हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसके ऊपर नहीं रहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो उसके बाद रखते होंगे जलेबी को। लेकिन जो खोया का प्रोडक्ट है, पेड़ा है, अगर पेड़े को आप देखें तो उसका शेल्फ लाइफ ऐसे ही ज़्यादा है। तो इनको सिर्फ इतना करना होता है, हलवाई जब मिठाई बना रहा होता है अपना, मिठाई बनाने का टाइम उसको नोट करना है एंड कुछ सैम्पल्स रख देने हैं अपने एंड पे, ये यही कर सकते हैं। अगर हर हर इंसान कहता है कि मैं लैब नहीं जा सकता, लैब मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, आप अपने एंड पे वैलिडेशन कर लीजिए। वैलिडेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है करना। आप अपने एंड पे जो मिठाई आपने बनाया उसका एक डेट डालिए कि मैंने ये मिठाई इस दिन को बनाई, बना करके आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर मिठाई कितने दिनों तक चलता है उसको सिर्फ आपको नोट करते रहना है, और उसके बाद उसको हर दिन 2 बार उसको सिर्फ चेक कर लेना है कि मिठाई सही है या खराब हो गया। आपको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा मिठाई खराब हो रहा है, आपको वो पता चेक चल जाएगा करने के शेल्फ लाइफ मानक, कब है। वो चेक करने के मानक क्या होंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 चीज़ें होता है चेक चेक करने का मानक। अभी अगर हम कहें तो एक हलवाई वो हमेशा कहेगा मैं अपना टेस्ट करके या उसका ऊपर टेक्सचर देख करके मैं बता सकता हूँ कि मिठाई ठीक है कि नहीं। इनिशियली तो आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, बाद में जैसे आपका थोड़ा स्टेबलाइज हो गया उसके बाद आप लैब टेस्ट करा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। FSSAI ने नहीं कहा कि आप इमीडिएटली सारी चीज़ों को लैब में जाकर के टेस्ट करके फिर अपना शेल्फ लाइफ डालिए। वैलिडेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद से वैलिडेट करिए, लेकिन वैलिडेशन जो है साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, वो दिया हुआ है उसके ऊपर गाइडलाइंस में। ठीक है नकवी साहब, FSSAI कहता है कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई, कुछ राय शुमारी होती तो बीच का रास्ता निकलता, लेकिन FSSAI का दावा है कि देखिए साहब, पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं और लंबे समय से बातचीत होती रही है, कई स्टेक होल्डर्स इस चर्चा का विषय भी है। तो सर, ये क्योस की स्थिति क्यों हो रही है फिर? ये क्योस की स्थिति इसलिए हो रही है कि क्योंकि डायरेक्ट हमसे कोई वार्तालाप नहीं हुआ, जैसे कि साहब ने बताया इसके ऊपर। मैंने भी कुछ जगह पढ़ा था कि मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह का कुछ आने वाला है और चल रहा है, कुछ सजेशन भी जो दूसरी हमारी पैरेलल एसोसिएशन हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स का डील करते हैं उन्होंने कम्युनिकेशन भी किया है। लेकिन अभी अगर आप जैसे अभी आपने हाइजीन रेटिंग की बात की रेस्टोरेंट के ऊपर, ऐसे ही हमारे साथ FSSAI का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग अपनी जो शोरूम्स हैं मिठाई के और शॉप्स हैं उनको उनकी हाइजीन रेटिंग्स करेंगे वॉलंटरली बेसिस पे। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लास्ट 10 दिन पहले ही हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग FSSAI के CEO पवन कुमार अग्रवाल जी के साथ थी। कई बार हम लोगों का आना होता है लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये इतनी जल्दी ये नोटिस आएगा और इसके ऊपर एकदम से ये एक जून की डेट दे दी जाएगी। तो हमारा मानना ये, मैंने जैसे शुरुआत भी की थी कि हम जो भी मूव है सरकार का कंज्यूमर के भले के लिए हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें हों जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डायरेक्ट जिनको इसके ऊपर इसका इफेक्ट आने वाला है, उनको आप उनको उनसे बातचीत कीजिए। अब जैसे कि बताया कि पैकेजिंग की जो डेट्स हम लोग पैकेजिंग पे डेट डालते हैं, ऑलरेडी 5 से 7% पैक मिठाई होती है एक्चुअली, ज्यादातर जो 93% जो है वो लूज मिठाई होती है।
पहले से हम लोग डब्बों पे लिखते चले आ रहे हैं कि दूध की मिठाइयाँ हमारे यहाँ से आप 2 दिन तक रख सकते हैं, या और तरह की मिठाइयाँ आप 8 दिन तक रख सकते हैं, इसको आप फ्रिज में रखिए, इसको आप फ्रीजर में रखिए। ये हम लोग वॉलंटरी लेवल पे अपने बॉक्सेस के ऊपर या अपनी मिठाई की पैकेजिंग के ऊपर, जो लूज मिठाई होती है उसकी पैकेजिंग के ऊपर भी हम लिखते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिठाई वाले चाहते नहीं है कि हम कंज्यूमर का भला ना हो या कंज्यूमर को कंज्यूमर से मिसगाइड ही होता रहे, हम चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जाके हमारी टीम्स होती जो उसके ऊपर काम करती और एक राइट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचती, तो वो ज्यादा अच्छा होता, तब जाके एक इसको करने का भी एक बेनिफिट मिलता और सब लोग दिल से करते। और जहां तक बात रही टेस्टिंग की, तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी पैनलिस्ट ने आपके कहा कि ये वो चेक कर लें बाहर रख के इस कंडीशन में उस कंडीशन में, हमारे मिठाई मैन्युफैक्चरर सब टेक्निकली साउंड है, जो हमारे मेंबर्स हैं खासतौर से जो ऑर्गेनाइज लेवल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सबके यहाँ टेस्टिंग लैब्स हैं, हम लोगों को पता है कि हमारी मिठाई की क्या शेल्फ लाइफ है, हम लोगों को काफी मॉडर्न लेवल तक हम लोगों ने उसके ऊपर आरएनडी ऑलरेडी कर रखी है और करते हैं हमेशा। लेकिन जो टेस्टिंग होगी अब मान लीजिए 1 जून के बाद, तो जो आपके ऑफिसर्स होंगे, आपके इंस्पेक्टर्स होंगे, वो उसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, उनका क्या मैकेनिज्म होगा? हाँ, अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर जो गलत ही प्रैक्टिस करना चाहता है, जो किसी भी लूप में नहीं है और वो करना ही चाहता है, तो उसको आप किस तरीके से पकड़ पाएंगे कि उसको जो डेट लिख रखी है वो सही है या जो ट्रे के अंदर प्रोडक्ट है वो सही है? तो ये सब चीजें जो है ना, इनके लिए मैं चाहता था कि हम पहले एक बार बैठ के इसके ऊपर कुछ करते। खैर अभी वक्त है हमारे पास, हम ऑलरेडी नेक्स्ट वीक में हेल्थ मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एफएसआई से भी एक अपॉइंटमेंट ले लें नेक्स्ट वीक में, और हम लोग मिलके इसको एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको अभी इंडस्ट्री पैनिक में ना आए, पहली बात तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पैनिक में ना आए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी भगवान से लेके और भक्तों तक सबको कैटर करते चले आ रहे हैं युगों युगों से, तो उनके साथ गलत नहीं होने वाला है, लेकिन हम एक अच्छा रास्ता निकालने के पूरे पक्ष हैं। ठीक है, तो प्रवीण जी, जो एफएसएनएम से बात करके समझ में आता है वो ये कि उनको इस आदेश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय मिलता कि वो चीजों को डिटेलिंग में समझ पाते। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, असल में स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा किसी भी चीज को नापने का, उसकी शुद्धता को नापने का, वो क्या होगा सर? इस पर बातचीत हो गई है क्या? अगर हम ट्रे पर प्राइस टैग लगा सकते हैं, तो क्या कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और सेल्फ लाइफ नहीं लगा सकते? दिस इज द ओनली फिलॉसफी बिहाइंड दिस ऑर्डर। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कतें उनके लिए लाएं, लेकर आएं। इसके अलावा भी अगर उनको कोई इश्यूज हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली कंसिडर देयर कंसर्न्स। ठीक है ममता जी, अगर इस तरह के मामलों में जो शिकायतें आती हैं वो क्या आती हैं? बड़े ब्रांडेड शॉप्स को लेके आती हैं, बड़ी ब्रांडेड मिठाइयों को लेके आती हैं, या छोटी जगहों पे जो दुकानें चलाई जा रही हैं असल में उनको लेके भी शिकायतें मिलती हैं आपको? देखिए, शिकायतें जो आती हैं उसका मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, बड़ी शॉप्स के लिए भी आती हैं, छोटे जो वेंडर्स हैं उनके लिए भी आती हैं। और शिकायतों का जो मापदंड रहता है वो बेसिकली, जब भी कोई इंसान खरीदता है तो उसका एक सबसे पहला पैरामीटर रहता है कि वो जो सामान ले वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो बात इसकी नहीं है कि स्टैंडर्ड शॉप की आ रही है या एक छोटी दुकान की आ रही है। जब हम एक देश में एक बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक इंसान को, एक कंज्यूमर को मिले, तो वो जब पैसा पे करता है तो वैल्यू फॉर मनी वाला कंसेप्ट ज़रूर कंज्यूमर के दिमाग में होता है। तो यहाँ पे जब शिकायतें आती हैं तो मैक्सिमम टाइम कहा जाता है, जो शिकायतों का एक बेसिक दायरा रहता है। और अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो कौन से स्टेट्स इसमें टॉप कर रहे हैं शिकायतों की दर, अगर हम पिछले 6 महीने का अगर मैं आपसे साझा करूं तो दिल्ली इसमें टॉप करता है शिकायतों में। 6 महीने के आंकड़े जो अगर मैं बताऊं तो दिल्ली से मैक्सिमम अराउंड 30-35% जो शिकायतें हैं वो स्वीट से रिलेटेड हमारे पास आती हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी फॉरवर्ड आगे स्टेट्स हैं जिनसे ये चीज़ें आ रही हैं। तो मिठाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान हर, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेना चाहेगा। लेकिन आप अगर अब त्योहारों में आप देखें तो जो शिफ्ट है वो मिठाइयों से ज़्यादा आपका डिब्बा बंद जो बाकी जूसेस हैं या उस पर हो रहा है। तो उसके पीछे जब ये स्टेप आया तो हम लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये शिफ्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो अगर वो, उन्होंने बहुत सही कहा कि जब हम बात करते हैं कि हम जब प्राइस लगा सकते हैं एक मिठाई का,
तो बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी लगाना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ठीक है, यानी ये कोशिश इतनी मुश्किल नहीं है, इसे ऐसा नहीं है आसानी से फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल एस नंदी साहब आपसे, सर अब होटलों में जो खाना असल में परोसा जा रहा है उसकी रेटिंग का भी मसला उठ रहा है कि उसकी भी रेटिंग होनी चाहिए खुले सामान के साथ, ये कितना जरूरी है असल में? देखिए रेटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, काफ़ी समय से इसके ऊपर विचार चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है, करीब 1.5-2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा 2017 से मुझे याद है इस पर काम चल रहा है। एंड ये अभी उन्होंने जस्ट शुरू किया है काम करना कि हर रेस्टोरेंट के ऊपर एक रेटिंग होगा, एंड इनका बहुत सरल सा एक क्वेश्चनायर है, बहुत सरल सा एक मापदंड है जिसके अंदर उनको भरना है उसको, और उसके ऊपर आप रेटिंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रेटिंग, हमने कह दिया कि आपका रेटिंग होगा तो आपका रेटिंग के लिए कोई आ गया पहुंच गया आपको रेटिंग करने के लिए, इसके साथ में फास्टैग की ट्रेनिंग्स भी हो रही है, उन्होंने ट्रेनिंग का भी पूरा प्रावधान दिया है कि आप ट्रेनिंग करिए अपने आप को डेवलप करिए। एक टाइम हुआ करता था जहाँ पर इंस्पेक्टर राज था, हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपका सीधा चालान काटेंगे, अब ये नहीं है, अब आपके पास ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपने आपको तैयार करिए, उसके बाद आपका रेटिंग भी होगा, उसके बाद बहुत एक पॉजिटिव एटमोसफियर है, बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट है, एंड लेट अस एम्प्रेस इट। यानी खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बहुत जरूरी है जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ देशांतर में आज बस इतना ही, आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जहां आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।